800 स्क्वायर फीट के अंदर नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है, 3 BHK, शानदार एक हाउस प्लान, बहुत ही सिंपल सा हाउस का प्लान डिस्कस करने वाला हूँ। और नॉर्थ फेस जो है इस तरफ है, इस तरफ बिल्डिंग का एंट्रेंस यहीं पे प्रोवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहीं पे नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, इस तरफ वेस्ट है और ईस्ट इस तरफ है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु वाइज इसको हमने प्रोवाइड किया, किधर क्या प्रोवाइड करना है इसी हिसाब से, वास्तु हिसाब से प्रोवाइड किया। तो इसका बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए डिटेल्स शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहीं पे एंट्री में लेफ्ट साइड में आपको एक बेडरूम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप किचन कम डाइनिंग हॉल में प्रवेश करेंगे, उसके बाद यहीं पे 2 बेडरूम हैं, यहीं पे 1 बेडरूम है और यहीं पे 1 बेडरूम है, ठीक है। तो इस तरफ देखिए 1 बेडरूम हो गया, यहीं पे 1 बेडरूम हो गया, यहीं पे 1 बेडरूम हो गया, 3 बेडरूम हो गया। और यहीं पे पैसेज है, इस तरफ जाएंगे और यहीं पे स्टेयर को भी अलग करके रखा है, अगर आप इसको रेंट पर्पस में यूज़ करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एंट्री इस तरफ से भी कर सकते हैं, स्टेयर का नीचे से। फिलहाल उन्होंने यहीं पे पैसेज छोड़ के इसको एंट्री रखा है। तो देखिए यहीं पर जो वॉल है, वॉल के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वॉल हमारा 10 इंच का वॉल है, तो वॉल को कलरिंग कर देते हैं पहले। और विंडो यहीं पर बेडरूम में 2-2 विंडो हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। अगर आपका पास चारों तरफ ओपन स्पेस है तो यहीं पे इस हिसाब से आप इसको विंडो पोजीशन रख सकते हैं। अगर आप ब्लॉक, आपका एरिया अगर ब्लॉक है तो आपको उस हिसाब से आपको वेंटिलेशन भी अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे फिलहाल ओपन साइड है, मतलब 3-3 फीट करके मैंने चारों तरफ छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे इधर जो म्यूनिसिपैलिटी और विलेज एरिया का जो हाउस बनता है, एक विलेज में 3 फीट करके छोड़ना पड़ता है और म्यूनिसिपल एरिया में आपको 4 फीट करके पेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे इसका जो बाउंड्री वॉल है, इधर से इस वॉल से 3 फीट या 4 फीट छोड़ के हमको इस बिल्डअप एरिया पकड़ना पड़ा है, ठीक है। तो यहीं पे 3-3 6 फीट आप ऐड कर लेंगे तो आपका पेस कितना आएगा, 24 फीट इस तरफ है, तो 3 फीट इस तरफ ऐड होगा, 3 फीट इस तरफ ऐड होगा, मतलब 30 फीट आपको लेंथ हो जाएगा। तो यहीं पे हमने 24 फीट ही विद हमने पकड़ा है, ठीक है, क्योंकि 3 फीट इस तरफ और 3 फीट इस तरफ हमने इसको छोड़ दिया है। और लेंथ में भी सेम है, लेंथ में आपको 40 फीट आएगा, 3 फीट इस तरफ छोड़ दिया और 3 फीट इस तरफ छोड़ दिया, ठीक है। तो 6 फीट माइनस करने से आपको 34 फीट आ रहे हैं, ये हमारा बिल्डअप एरिया है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है, हमने दिखाते हैं लेंथ, इस बिल्डिंग का जो लेंथ है 12 फीट बाई इस तरफ आ जाएगा 10 फीट। और यहाँ पे एक पैसेज है, पैसेज 3 फीट 6 इंच का पैसेज प्रोवाइड किया। और यहाँ पे स्टेयर हॉल के लिए हमको 12 फीट 8 इंच लंबाई और चौड़ाई हमको 8 फीट जगह चाहिए था, तो 3 फोल्डिंग में आपको स्टेयर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे एक टॉयलेट है, यहीं पे देखिए बाहर तरफ एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया, ठीक है। यहीं पे 4 फीट 5-6 इंच का टॉयलेट है और इस तरफ 8 फीट है। और यहीं पे किचन कम डाइनिंग हॉल है, जिसका साइज आपको मिलने वाला है इस तरफ 9 फीट 7 इंच और इस तरफ लेंथ 13 फीट 11 इंच, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे बेडरूम है, यहीं पे एक छोटा सा बेडरूम प्रोवाइड किया है, छोटा मतलब स्टैंडर्ड साइज का ही है, 10 फीट बाई 10 फीट का बेडरूम यहीं पे प्रोवाइड किया। और यहीं पे 10 फीट बाई 12 फीट का मास्टर बेडरूम हमने इस पर प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, ये जो आप यहीं पे देख सकते हैं, ये जो बेडरूम है साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में यहीं पे प्रोवाइड किया है, क्योंकि इस जो बेडरूम है इसमें आपको मास्टर बेडरूम यहीं पे बना सकते हैं, तो मास्टर बेडरूम ही आपको बनाना है यहीं पे। तो मास्टर बेडरूम के साथ हमने क्या किया, यहीं पे एक अटैच टॉयलेट प्रोवाइड कर दिया, जिसका साइज होने वाला है 4 फीट बाई लेंथ जो है 8 फीट, ठीक है। तो यहीं पर देखिए इस साउथ ईस्ट में एक छोटा सा बेडरूम प्रोवाइड किया। अगर आपको 2 बेडरूम चाहिए होगा तो यहीं पर आप साउथ ईस्ट में अग्नि दिशा में आप यहीं पे किचन बना सकते हैं, किचन कम डाइनिंग हॉल, और यहीं पे लिविंग हॉल के लिए एक स्पेस छोड़ सकते हैं। अगर फिलहाल आपको 3 बेडरूम अगर चाहिए होगा तो इसी तरफ से आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट यहीं पे आएगा, देखिए ये जो कॉर्नर है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पूजा रूम होता है, तो पूजा रूम के साथ यहीं पर बेडरूम यहीं पर प्रोवाइड कर दिया है। और यहीं पर नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में हमने यहीं पर नॉर्थ वेस्ट दिशा में हमने स्टेयर को प्रोवाइड किया और वेस्ट दिशा में 2 टॉयलेट को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको कॉलम पोजीशन किधर आएगा,
तो यहीं पे कॉलम के लिए हमने थोड़ा अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, सॉरी ये ब्लू कलर का यूज़ कर लेते हैं। तो कॉलम हमने यहीं पे इस तरह पे प्रोवाइड करना है, इस तरफ तो 3 इंच डायरेक्शन बराबर, इस तरफ भी 3 आ जाएगा। यहीं पे 10 इंच बाई 10 इंच कॉलम हमने प्रोवाइड करेंगे, पूरा सीधा सीधा कॉलम आ जाएगा, देख सकते हैं आप लेआउट जो है। ठीक है, तो यहीं पे देखिए 3 3 6 6 6 12 12 नंबर्स कॉलम में आपको इस बिल्डिंग पूरा तैयार हो जाएगा। तो बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका कितना आएगा थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो यहीं पे कैलकुलेटर ओपन करके हमने इसका जो बिल्डअप एरिया है वो समझ लेते हैं कितना आ रहा है। इस तरफ 24 फीट और इस तरफ 34 फीट, तो 816 स्क्वायर फीट का हमारा बिल्डअप एरिया है। तो इसके लिए हमने 1500 करके पर स्क्वायर फीट में पकड़ेंगे तो 12.424 यानी कि 12.5 लैक्स अप्रोक्स आप कॉस्ट आप पकड़ सकते हैं। टोटल फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हाउस आपको इस 12.5 लाख के अंदर आपको तैयार हो जाएगा।